अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो खबर है वो वाकई सिवान में तहलका मचाने वाली खबर है। सिवान का नगर परिषद पिछले कई सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग अब इसे नगर परिषद नहीं, सिवान नगर परिषद नहीं, इसे घोटाला परिषद का नाम देते हैं। एक भी ऐसा काम नहीं है जो बिना घोटाला क्या नगर परिषद ने करवाया हो, चाहे वो सोलर लाइट का मामला हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट जो शहर के मुख्य सड़क पे लगाया गया हो, या फिर डस्टबिन का मामला हो, कूड़ा रखने वाला बहुत सारा चीज़ है। ये सारे के सारे घोटाले की भेंट चढ़े हुए हैं और इस पर कई बार लगातार जांच की मांग भी उठी है। वर्तमान में जो हमारी चेयरमैन हैं नगर परिषद की, सिंधु सिंह, इनके कार्यकाल में एक जमीन लिया गया था कूड़ा निस्तारण के लिए और उस जमीन को लेकर के लगभग 4 करोड़ से ऊपर की राशि बंदरबांट कर ली गई। अब सवाल ये उठा कि कई लोगों ने इस पर लगाया कि ये फर्जी तरीके से जमीन ली गई है और ये पैसे को बांट लिया गया है। उस पर कई तरह की बातें भी आईं और इन सारे मुद्दों को इधर के कुछ दिनों में रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर और प्रदेश के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर और आज वर्तमान में जदयू के नेता विक्रम कुंवर ने बिल्कुल एक लिखित तौर पे जो कागजी कार्रवाई होती है उसके आधार पे उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया। कुछ साल पहले की बात है या कुछ महीने पहले की बात है और ये मामला आज अपने मुकाम पे पहुंचा हुआ है। आज जिलाधिकारी की वो चिट्ठी, बिहार सरकार की वो चिट्ठी जिसमें जिलाधिकारी ने पूरी तौर से श्रीमती सिंधु सिंह को दोषी बता दिया है। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर साहब हैं जो जदयू के नेता हैं, सरकार इनकी है, जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। और अब हम बात करेंगे कि सर, जिस चीज़ को आपने उठाया था, बड़े जोर शोर से इस मुद्दा को उठाया था और कई घोटालों पे हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो ये जमीन का घोटाला था, जो एक सड़क बनाने का मामला था, पहले तो ये जानकारी एक बार फिर से हम लेंगे कि वो पूरा मामला क्या था और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जांच रिपोर्ट जो आई है वो किसके खिलाफ है। देखिए, सरकार का नियम है कि नगर परिषद, नगर निगम में कूड़ा निस्तारण के लिए 15 किलोमीटर रेडियस में कहीं जमीन खरीद करके ये डंप कर सकता है। ऐसे ही मामला सिवान में भी है। सिवान का जो मामला है, जो औकात नहीं था नगर परिषद को, अपने औकात से ऊपर जाकर के इसने परचेजिंग किया है। जैसे इसको खरीदना है 15 किलोमीटर रेडियस के अंदर, इधर चेंज हुआ है, पहले था 5 किलोमीटर। इसको पावर था, नगर परिषद को पावर है 50 लाख रुपया तक प्रशासनिक स्वीकृति देकर के रुपया निकाल सकता है। सिर्फ 50 लाख, लेकिन निकला 4 करोड़ के ऊपर। लेकिन ये 4 करोड़ के लिए मुख्यालय भेजना पड़ता है, ये पटना भेजना पड़ता था, अभी पटना नहीं भेजा। 50 लाख के बदले 4 करोड़ 3 लाख रुपया कूड़ा निस्तारण के लिए
इन लोगों ने निकाल लिया। जमीन वह विवादित जमीन है, वह कोई वहाँ के कायस्थ परिवार थे उनका जमीन था, जिनको कोई उनको बाल बच्चा परिवार में कोई नहीं था, वहाँ वहाँ के गरीब बसे हुए थे, धोबी वोबी कपड़ा वपड़ा धो रहे थे। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सीमान सदर के सीओ नगर परिषद ने मिल करके उनकी आवाज़ों को दबा दिया। वे लोग मेरे पास भी गए थे, फिर ये लोग उस जमीन को परचेज किए नगर परिषद। किससे किससे परचेज किए? वो आपने बताया कि वो श्रीवास्तव जी की जमीन थी, तो श्रीवास्तव जी से लिया गया या किसी और से लिया गया? कुछ लोगों को खड़ा करके जाली रजिस्ट्री शो करके बनवा कर रजिस्ट्रार को मिला करके उन लोगों के नाम पर उसको दिखा दिया गया। सीओ मिला हुआ था, सीमा नगर के रजिस्ट्रार मिला हुआ था, इन लोगों ने जालसाजी करके पैसा निकाल लिया, ये लोग कागज पत्र दे करके तैयार कर लिया। इसमें जो पैसा पेमेंट हुआ है, खैर उन लोगों को खाता में जो पैसा गया है लगभग 1,60,00,000, उसमें वैसे लोग का भी खाते में पैसा गया है जिसका जमीनें नहीं है। उसमें तो हम लोग बीच में चर्चा सुन रहे थे कि उसमें जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनके खाते में भी ये पैसा गया। अब आप बता रहे हैं 1,60,00,000, बकिये बचा 2,23,00,000 रुपया। एक फर्जरी एनजीओ बना करके माँ आपका हम जमीन लेंगे तो आपके खाते में ना हम पैसा भेजेंगे कि हम एनजीओ में भेजेंगे, उसमें से 2,23,00,000 रुपया एक एनजीओ के खाते में लोगों ने डाल दिया, अफसर चेयरमैन और कुछ वार्ड काउंसिलर। 2,35,00,000 रुपया एनजीओ के नाम पर कॉरपोरेशन बैंक में लोग जमा करता है, और उस रुपया को 7 दिनों के अंदर टोटल पैसा निष्कासित कर लिया जाता है, किसी वार्ड काउंसिल के बेटा के नाम पर, किसी के ड्राइवर के नाम पर, किसी के भाई के नाम पर, कोई नगर परिषद के स्टाफ के नाम पर विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन सर इसमें हम लोग कई बार बात करते हैं चेयरमैन साहब से, तो वो उनका ये कहना है कि भाई ये सिर्फ मेरे कहने से कोई चीज़ थोड़े हो जाता है, मेरे कहने से किसी का पेमेंट थोड़े होता है, उसमें स्कूटी बिना उनकी परमिशन का इतना बड़ा सब कुछ उनके देखरेख में हुआ है, उसमें स्कूटी भी जाएंगे, वो स्कूटी कहाँ बचने वाले, वहाँ उसमें कैशियर जाएंगे, इसमें बहुत घर खाएगा ये, आप निश्चिंत होकर देखते रहिए कितने लोग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जीत जो लड़ाई आप यहाँ तक लेके आए हुए हैं और आज रिपोर्ट आ गई है चेयरमैन के खिलाफ रिपोर्ट आई है, हालांकि उन्होंने कहा है कि हम इसका स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई एक निर्धारित मुकाम तक पहुँच पाएगा, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो पाएगी? देखिए हम लोग जेपी आंदोलन के सिपाही रहे हैं और जेपी आंदोलन में के अग्रणी नेता रहे हैं, और हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जो 4-5 मुद्दे थे उसमें भ्रष्टाचार का भी मुद्दा था। हम 15 वर्षों तक विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, मैं भी चाहता तो किसी नेता से कम नहीं कमाता, और जो राजनीति में मेरा रुतबा है सिवान के नेताओं से ज़्यादा तो संपत्ति इन लोगों की तरह नजायज कमा सकता था, लेकिन मैंने। लेकिन सर ऑफर तो आपको भी मिला होगा, मान लीजिए कि जब इतने इतना बड़ा पूंजी इतना बड़ा अमाउंट है और कई लोग इसमें लिप्त हैं, तो कुछ तो ऑफर आपको भी मिला होगा। हाँ हमको ऑफर मिला था, इसमें भी मिला था, एम्बुलेंस वाला भी मिला था। अच्छा, तो जब मंत्री रहते और विधायक रहते चोरी नहीं किए, तो अब चोरी करके क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे और क्यों पैसा लेंगे? हमको उतना ही पैसा चाहिए जिससे हमारा दाल रोटी चल जाए, उतना हमको पेंशन से आ जाता है, बहुत घटता है हमको
तो कोई वर्कर के बगली में पैसा रहता, निकाल लेते हैं, गाड़ी में तेल नहीं रहा तो बगली में से मांग लिए, किसी से ले लिए, तेल भरवा लिए, अपना गाड़ी का काम करते हैं। कोई अब इसमें क्या हो सकता है, अब तो रिपोर्ट आ गया आपका, जिलाधिकारी का रिपोर्ट है, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया, अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी? इसमें पहला होगा चेयरमैन की सदस्यता जाएगी, क्योंकि लाभ के पद पर रहते हुए आप अपने नाम पर कोई ठेकेदारी नहीं करा सकते हैं। कोई MLA MP या जन तो क्या सिंधु सिंह चेयरमैन रहते हुए ठेकेदारी करवाई है? 49 लाख का सड़क बनवाया है, सड़क में भी जांच हुआ है, उसमें एक गिल्टी पाई गई है। और इसको अंतिम मौका तक हम रहे या न रहे, मैं जान रहा हूं कि ये परिवार अपराधी परिवार है मेरे साथ। परिवार कुछ भी हो, लेकिन सिंधु सिंह एक आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ढाल बना करके लोग आज सर ये जब अखबारों की सुर्खियां बना ये खबर, तो आज ये चर्चा हो रही है कि सिंधु सिंह भाई घरेलू महिला हैं, वो बिल्कुल सीधी सादी महिला हैं, उनको फंसाया गया है। देखिए वो फंसाया नहीं गया है। तो ये कौन, ये फंसाने वाले कौन लोग हैं? ये फंसाने वाले उनके परिवार के लोग हैं, उनका हस्बैंड हैं। वह बेचारी सीधी झारदी औरत वो क्या जानती है, जो पति कहेगा पत्नी वही करेगी। पैसा उसने खर्च, पति ने खर्चा किया, अब वो अपना पैसा निकाल रहा तो कैसे करेगा, तो सिंधु सिंह को फंसा कर करेगा। तो कानून का शिकंजा जो है वो तो सिंधु सिंह का ही, सिंधु सिंह पे ही पड़ेगा, सिंधु सिंह भी पड़ेगा, उनके हस्बैंड पर भी पड़ेगा। कई एक जगह इस जांच रिपोर्ट में उनका नाम आया है, आप जान लीजिए। और सिंधु सिंह सीधा आदमी है, उसको तो जो लोग कहा वो दस्तखत कर दिया, उसके साथ घोर अन्याय इन लोगों ने उसके साथ महापाप किया है, उस सीधी सादी औरत को फंसा कर। लेकिन सर ये भी आम आदमी का कहना है कि भाई ये कुछ होता नहीं है, पिछला जो नगर परिषद में पूर्व चेयरमैन थी अनुराधा गुप्ता, उन पर भी केस है, जो आज वर्तमान विधायक हैं दुरौदा के उन पर भी केस है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पूर्व के चेयरमैन बबलू के उनके वर्किंग उनके टाइम में भी कई घोटाले हुए हैं। तो ये सब को लेकर के लोग कह रहे हैं कि भाई कहाँ उनको कुछ हुआ, इनको भी कुछ नहीं होगा। इसलिए उस समय घोटाला उन घोटालों के खिलाफ कोई जनप्रतिनिधि लगा नहीं था, इसमें तो हम लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये दब नहीं जाता मामला? हम तो, नहीं तो क्या आखिर क्या सिंधु सिंह से नाराजगी है या उनके परिवार के लोगों से कि आप एकदम नहा धो करके इनके पीछे पड़े हुए? नहीं, हमको सिंधु औरत से हमको क्या नाराजगी हो सकती है, लेकिन उनके सिंधु सिंह के जो परिवार है जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है, और उसने सिवान को निर्ममता पूर्वक लूटने का काम किया है। सिंधु सिंह नहीं लूटी है, उसके हस्बैंड हैं, उसके और लोग हैं। जांच हो तो सिवान नगर का 100 रुपया में 60 रुपया इन लोगों के परिवार को गया है, 40 रुपया में सिवान में काम हुआ है, समझे। इस मामला को उठाए हैं और अंतिम मुकाम तक हम इसको पहुंचावेंगे। हमको दुख है कि सिंधु सिंह को सजा होगी, निर्दोष है वो, दोषी लोग भागे फिर बच जा रहे हैं, लेकिन निश्चित ईश्वर के यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले एक साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान दुकान फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूंगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी।
सिवान का जाना पहचाना वीआईपी अल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीबीसी विंडो सहित अल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेंस कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18 अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।